हेलो स्टूडेंट्स तो पाठ जब भोला राम ने पंप लगाया इसमें हमने पिछले वीडियो में बातचीत के लिए प्रश्न हमने किए साथ ही साथ छठा प्रश्न हमने किया किसने कहा और क्यों कहा आज हम अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न करेंगे तो अनुमान और कल्पना के जब भी प्रश्न होते हैं तो उसमें कोई भी उत्तर है वो सही रहता है आपका स्वतंत्र उत्तर होता है आप जो सोचते हैं उसके बारे में बिल्कुल वो हो सकता है ठीक है तो चलिए पहला प्रश्न इस पाठ के लिए कोई एक अन्य शीर्षक सुझाइए व उसका कारण भी बताइए इस पाठ के लिए कोई एक अन्य शीर्षक मतलब यहाँ जब भोला राम ने पंप लगाया ये शीर्षक है आप इसके लिए कोई और टॉपिक दे सकते हैं कि कोई भी आपने पूरा पाठ पढ़ा तो आपको क्या लगा कि इस पाठ को हम क्या नाम दे सकते हैं और है ना भ्रष्टाचार दे सकते हैं या आप बेबस किसान दे सकते हैं या कुछ और भी है ना और क्यों दिया है ये भी बताएं आप है ना तो चलिए देखिए तो हम इसको क्या नाम दे रहे हैं हाँ देखो इस पाठ के लिए बेबस किसान शीर्षक रखा जा सकता है क्योंकि इस कहानी की सारी घटनाएं क्या है आरंभ से अंत तक भोला राम के इर्द गिर्द ही घूमती नज़र आती हैं यानी भोला राम एक किसान है उसको खेतों की खेतों की सिंचाई के लिए पाँच हॉर्स पावर का पंप चाहिए था तो बेचारा इतना बेबस हो गया वो जगह जगह घूम तो उसे बेबस किसान हम कह सकते हैं शीर्षक को और उसके इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमी हुई है सब जगह जाता है उसे बेबसी बेबस हो जाता है और अंत में जाकर वो खुद ही पंप लगा लेता है है ना तो दूसरा प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न है पंप लगवाने की प्रक्रिया के दौरान भोलाराम की सोच में क्या क्या परिवर्तन आए होंगे बताइए अब देखो पंप लगवाने की प्रक्रिया के दौरान अब भोलाराम की सोच में क्या क्या परिवर्तन आए होंगे बताइए तो क्या परिवर्तन आए देखो पंप लगवाना है उसने खुद सरकारी महकमे में जाकर अर्जी दी लगवाना था लेकिन जब उसको भाग दौड़ करनी पड़ी तब उसने क्या क्या सोचा है ना तब उसने क्या सोचा बीच में उसको गुस्सा भी आया था क्रोध भी आने लग गया था तो देखिए पंप लगवाने की प्रक्रिया के दौरान भोलाराम की सोच में बहुत परिवर्तन आए होंगे जैसे उसका सरकारी नियम कानूनों पर भी पर से विश्वास उठ रहा होगा और अधिकारियों के प्रति घृणा भाव पैदा भी हुआ होगा है ना और अंत तक वह एक मान वह यह मान बैठा होगा कि नियमों का उल्लंघन करने से ही काम जल्दी होते हैं है ना तो देखो उसको सारी जगह यहाँ सरकारी नियम नियम कानूनों पर से विश्वास उठ गया अधिकारियों के प्रति घृणा भाव पैदा हो गया और साथ ही साथ अंत में उसको ऐसा लगा कि नियमों का उल्लंघन करने से ही काम जल्दी होते हैं ठीक है तो ये उसकी सोच में परिवर्तन आया अब तीसरा प्रश्न है अनुमान और कल्पना का ही पढ़ लिख कर यदि आप सरकारी अधिकारी बन जाएं तो आप कौन सी कुरीतियाँ दूर कर करना चाहेंगे तो अब आपने पाठ पढ़ा आपने देखा कि कौन कौन सी कुरीतियाँ थी सरकारी कार्य प्रणाली के अंतर्गत तो अगर आप बन जाएं तो आप क्या क्या दूर करेंगे है ना तो आपका स्वतंत्र उत्तर हो सकता है ठीक है देखो यदि मैं पढ़ लिख कर सरकारी अधिकारी बन जाऊँ तो सबसे पहले मैं उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करूँगा या करूँगी जो अपने कार्यों का निर्वाह सही से नहीं करते घूस लेते हैं और दूसरा काम यह है कि कुछ ऐसे सरल नियम बनाऊँगा जिससे आम जनता को कम से कम परेशानी हो तो ऐसे नियम बनाएं जिससे आम जनता को कम से कम परेशानी हो तो आपकी भी और सोच हो सकती है कि मैं भ्रष्टाचार को दूर करूंगा और जो गलत काम करता है ठीक है उचित कार्यवाही करूंगा या करूंगी है ना तो आप लिख सकते हैं अगला देखिए प्रश्न है भाषा की बात तो नीचे दिए गए शब्दों को शब्द कोशी क्रम में लिखिए अब कई बार हम इन प्रश्नों को कर चुके हैं शब्द यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम कैसे देखते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले आ, हमें स्वर और व्यंजन पता होने चाहिए ठीक है तो सबसे पहले क्या आता है अ अ आता है अब अ से कौन सा शब्द शुरू हुआ है तो पहला ही है अनुमति तो ठीक है तो अनुमति पहले आ जाएगा अनुमति के बाद अब कौन सा शब्द आना चाहिए अ के बाद अ के बाद क्या आता है अब यहाँ और तो कोई है नहीं आ, आई, कोई नहीं है ना अब ये क्या आता है कृषि क आता है ना और नीचे री लगा हुआ कृषि री की साउंड देता है अब क वाला यहाँ भी है से लेकिन क के बाद यहाँ य यह है और यहाँ पे री है तो री पहले आती है ना इसलिए कृषि जो आ जाएगा वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा ठीक है और उसके बाद क्या आएगा हमारा उसके बाद क आ जाएगा तीसरे नंबर पर है ना फिर आगे हम देखेंगे और कौन कौन से हैं देखो ब भी बाद में आता है फ भी स भी तो प लेकिन प वाले दो आगे एक पुख्ता एक प्रति ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ एक पुख्ता और एक प्रति अब इसको लिखेंगे अब ऊ पहले आता है ना र बाद में आता है तो पुख्ता जो है ये चौथे नंबर पर हो जाएगा प्रति पांचवें नंबर पर ठीक है फिर छठे पर क्या आएगा फुर्सत फुर्सत जो है छठे नंबर पर फिर उसके बाद आ जाएगा ब से फिर आगे दो बिजली और बूंद तो कौन सा आएगा ब ब में ई की मात्रा है तो ई पहले आता है ऊ बाद में आता है तो बिजली सातवें नंबर पर बूंद आठवें नंबर पर और उसके बाद क्या आता है हमारा श्रद्धा श्रद्धा आ जाएगा नौवें नंबर पर चलिए इसको सही क्रम के अनुसार आप गलत ना करें इसके लिए हम देखेंगे देखिए है ना? पहले नंबर पे अनुमति फिर कृषि फिर क्यूसे देन पुख्ता प्रति फुर्सत बिजली बूंद श्रद्धा सिंचाई ठीक है तो ये क्रम के अनुसार आप इसको अपने ज्ञान सागर में लिख लेंगे तो आज के लिए इतना ही आप ये काम करेंगे ठीक है अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न के साथ प्रस्तुत होंगे तो ये प्रश्न दो है इसको भी आप सोच विचार कर रखेंगे इसका क्या अर्थ है क्योंकि इसको हमने क को, को हमने ख खंड से मिलाना है अर्थ से मिलान करना है ठीक है तो इसको आप सोच के रखेंगे कल हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे टिल देन बाय एंड थैंक यू